ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारे इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स। हम लोग बात करेंगे हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किस तरीके से ट्रेड होती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के दौरान में कौन कौन से प्रैक्टिसेस, कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से लॉज फॉलो किए जाते हैं, तो हम लोग ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, यहां पर इस WTO के लिए यू विल गेट थ्री वीडियोस, तीन वीडियोस आपको मिलेंगी। एक वीडियो मिलेंगी जो आज है, बेसिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकंड आपको मिलेगी एग्रीमेंट से रिलेटेड। तीसरी आपको मिलेगी जितनी भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर आप बेसिक से नहीं स्टार्ट करेंगे तो आगे भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक से देखना। तीनों ही वीडियो आपको आज के आज में मिल जाएंगी, शाम तक में सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो वन बाय वन करके आप लोग देख लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको सेकेंड वीडियो कुछ और भी मिलेंगी WTO के अलावा, जैसे कर्व्स के हमारे जितने भी हैं, जितने भी ग्राफ्स वगैरह हैं, उसकी वीडियो आपको नहीं मिली है अभी, वो मिल जाएगी। इसके अलावा फेमा के बारे में मैंने बोला था बट मैं भूल गया था बताना आप लोग को, तो अगेन ये भी वीडियो आपकी आज के आज में अपलोड हो जाएगी। और आज ये सारा कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास, और स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि प्रीलिम्स स्पेशल और मेंस स्पेशल है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में आप इन लोगों को, इन कोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और वो है WTO का इवोल्यूशन। WTO के इवोल्यूशन को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगी थोड़ी हिस्ट्री में। हम लोगों ने बात किया हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। ग्रेट डिप्रेशन, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, और अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर देखिए आई बटन बन के आ रहा होगा, देखिए इसको, क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगेन WTO का एग्जिस्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई बटन के ऊपर जो वीडियो आ रही है वो सजेशन देखना। अब देखिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूं इस वीडियो के बाद से, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रेट डिप्रेशन 1929 के दौरान में काफी ज्यादा तेजी से, मतलब काफी प्रॉब्लमेटिक तरीके से हो गया था, जिसके कारण से USA तो परेशान था ही, बाकी साथ ही अदर यूरोपियन कंट्रीज भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। अब बाकी जितनी भी बची हुई कंट्रीज थी वो या तो डेवलपिंग कंट्रीज थी या फिर वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और बाकी जितनी भी कंट्रीज थी वो कॉलोनियल एरा के अंतर्गत थी, मतलब कि उनके ऊपर किसी ना किसी देश का राज हुआ करता था। जैसे कि इंडिया के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, तो उनकी बात ही खत्म कर देते हैं हम लोग, तो ये कॉलोनियल इस तरीके से चीजें हो जा रही होती हैं। अब यहां पर सीन ये हुआ कि यहां पर जब कंट्रीज ने देखा कि यार काफी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ रही है, इकोनॉमी काफी ज्यादा क्रिपल डाउन कर रही है, दिक्कत में आ रही है, तो इसके लिए US ने पॉलिसी अपनाई, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया था, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इन्होंने अपनाई। और इन्होंने क्या किया कि टैरिफ काफी ज्यादा बढ़ा दिए जो भी बाहर के गुड्स आते थे, तो बाहर के गुड्स पे इन्होंने जब टैरिफ बनाया है, टैरिफ बढ़ा दिया, तो टैरिफ बढ़ाने के बाद से सीन ये होता है कि जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज ना तो गुड्स अमेरिका में पहुंचा पा रही थी और ना ही अमेरिका के गुड्स को बाहर खरीद पा रही थी, क्योंकि यहाँ के रेसिडेंट ने गुड्स की कीमत को, जो भी कीमत है उनकी, उसको मार्केट के फोर्सेस के अकॉर्डिंग नहीं रखा था, और इन्होंने काफी महंगे सामान मार्केट में बेच रहे थे। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट क्या हुआ कि इकोनॉमी और ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई, और इस टैरिफ बैरियर का ही जो रीजन था, ये जो टैरिफ बैरियर था ये बहुत बड़ा रीजन बना था मार्केट में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स की सप्लाई को रोकने का, क्योंकि लोग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिए थे। US को देखते देखते ही यूरोप ने भी क्या किया, इसने भी अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना ली, मतलब अब बाहर की कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कंट्री में अगर गुड आ रही है, कोई सामान आ रहा है, तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता था। एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए जाने के कारण ही सामान डोमेस्टिक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता था, डोमेस्टिक मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाता था, जिसके कारण से धीरे धीरे जो ये इंटरनेशनल ट्रेड है वो इंटरनेशनल ट्रेड धीरे धीरे लगभग लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया।
एज पार्ट ऑफ रिजल्ट क्या हुआ, जब सारी कंट्रीज देखी यार इस तरीके की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी सब लोग अपना रहे हैं यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि हालांकि ये रीजन भी हुआ था हमारे वर्ल्ड वॉर टू होने का, एक इकोनॉमिक रीजन भी था और वो रीजन था हमारा यही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, और इसके कारण से वर्ल्ड वॉर टू होता है। जब हम लोग वर्ल्ड वॉर के बारे में देखेंगे तो वहां पर देखेंगे क्या कुछ है यहाँ पर। तो इट वॉज ऑल्सो, मतलब इकोनॉमी वॉज ऑल्सो रीजन फॉर हैपनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। अच्छा, इसके बाद से होता क्या है, जब हमारी कंट्रीज इस तरीके की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लेकर के आती हैं, तो सारे के सारे मिलते हैं आकर के ब्रिटेन वुड्स में। अब ये ब्रिटेन वुड्स कहाँ है, ये है यूएसए में न्यू हैम्पशायर। यहां पर होता क्या है कि ये लोग दो एग्रीमेंट पे आते हैं, दो एग्रीमेंट मतलब दो बातें करते हैं। एक बात करते हैं यार हमें क्या है कुछ इंटरनेशनल बैंक टाइप का चाहिए, और इंटरनेशनल बैंक के नाम पे आईबीआरडी और आईएमएफ, ये दो चीज जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई। और इस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग के लिए दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स बन गए, आईबीआरडी एंड वर्ल्ड बैंक, सॉरी आईएमएफ। हालांकि आईबीआरडी को ही आगे जा करके वर्ल्ड बैंक में तब्दील कर दिया गया, कई सारे और ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए गए, और दूसरा बन गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। दूसरी जो एग्रीमेंट हुई वो हुई यार हमें इंटरनेशनल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए वी नीड सम रेगुलेटर, और इसके लिए बातें होना शुरू हुई कि क्या हमें आईटीओ एक चाहिए। आईटीओ का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और आईबीआरडी आईएमएफ चाहिए, ये दो बातें बेसिकली क्लियर हो गई कि हमें ये चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इस पर तो सक्सेस मिल गई आईबीआरडी और आईएमएफ भी, और फटाफट इसको जो होता है वॉशिंगटन कंसेंसस के दौरान एस्टैब्लिश भी कर दिया गया। लेकिन आईटीओ के लिए यूएस टेंशन दे दिया, टेंशन दे देने का मतलब कि ये कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, ना तो हां बोल रहा था और ना ही ना बोल रहा था। इस हां ना के चक्कर में हुआ क्या कि बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे, बाकी के जितने भी कंट्रीज थी, वो ये बोली कि यार जब तक यूएस नहीं बोल रहा है, यूएस कुछ कंफर्म नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं हम लोग कुछ टेम्पररी लॉ ले लेते हैं। तो इन लोगों ने एक टेम्पररी लॉ बनाया, या कह लीजिए टेम्पररी एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, जिसको बोला गया गैट, GAT। इस गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। दिस इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो इस तरीके से ये बेसिकली जो गैट थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान में और टेम्पररी पीरियड के लिए ही केवल आया, जिसको कि नियर अबाउट 23 नेशंस ने मिलकर के रेटिफाई कर दिया था, 23 नेशन मिलकर के बना लिए थे। इसके बाद क्या होता है कि गैट अपना काम कर रही होती है, लेकिन बीच में आईटीओ के बारे में जो यूएस क्लियर कुछ नहीं किया था उसको यूएस कंफर्म कर देता और कहता है कि वी आर नॉट गोइंग टू रेटिफाई दिस, हम लोग आईटीओ को रिजेक्ट करते हैं। तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट क्या हुआ कि जो सिस्टम चल रहा है वो चलता रहा, मतलब कि जो गैट है वो गैट चलता रहा, और गैट चलने के कारण से इंटरनेशनल ट्रेड अपनी चलती आ रही थी। लेकिन विद द टाइम हुआ क्या कि ये जो गैट है ये कुछ इसमें प्रॉब्लम थी, कुछ इसमें लिमिटेशंस थी, जिसके कारण से इस गैट को फिर रिप्लेस करना पड़ गया WTO के साथ। तो यहां पर बेसिकली गैट की जो लिमिटेशन है वही अल्टीमेटली WTO की एस्टैब्लिशमेंट को सक्सेस में लेकर के आया। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी बेसिकली कि गैट क्या है, कहां से आया, और बाकी हम लोग अब डिस्कस करेंगे गैट के बारे में पहले, फिर उसके बाद से हम लोग टर्न आउट हो रहे होंगे अपने WTO के इवोल्यूशन के दौरान में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, ये आपको कहानी क्लियर हो ही गई होगी। अब यहां पर बैकग्राउंड ऑफ आईटीओ के बारे में या इंटरनेशनल ट्रेडिंग रिजीम आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बात करें तो इन 1947 23 कंट्रीज अराइव्ड एट एग्रीमेंट नेमली गैट, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट एस्टैब्लिश्ड एज अ फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल रिजीम बेस्ड ऑन डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ, हाई ड्यूटीज एंड नॉन टैरिफ कोटा। तो बेसिकली यहां पर ये जो टैरिफ वाली चीज है ये है क्या, ये रखा गया कि यार हम लोग यूनिफॉर्म टैरिफ लगा के रखेंगे। यूनिफॉर्म टैरिफ मतलब जो यूएसए ने पहले जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाई हुई थी, इस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में हुआ क्या था कि इन्होंने टैरिफ को अपना काफी ज्यादा हाई कर दिया था। यूरोपियन ने भी यही सेम कॉपी किया और टैरिफ को काफी हाई कर दिया। तो बेसिकली सबके दिमाग में एक ही चीज थी कि टैरिफ को हमें एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखनी है, हम लोग इसको ऐसा नहीं करेंगे कि बस कुछ भी लगा करके रख दें। तो इसलिए ये बेसिकली ट्रेड बैरियर जो टैरिफ और नॉन टैरिफ मतलब कोटा रेजिम है, इसी को रेगुलेट करने के लिए गैट को एस्टैब्लिश किया गया।
द एग्रीमेंट केम इन टू फोर्स इन 1948 एंड इंडिया वॉज अ फाउंडर मेंबर. तो इंडिया उस समय तक आजाद हो गया था और इंडिया वॉज अ फाउंडर मेंबर इन दैट गैट. क्लियर हो गया क्या चीज है. इसके बाद से ये कुछ मीटिंग है जो गैट के दौरान में हुई थी. इसमें जनरली जब भी आप देखेंगे तो बेसिकली जो मीटिंग होगी वो टैरिफ को लेकर के ही सिर्फ और सिर्फ होगी, क्योंकि इनका जो सोल मोटिव था वो था टैरिफ को रेगुलेट करना. तो अगर इनकी मीटिंग के बारे में देखें तो देखिए, सबसे पहले होती है जिनेवा में 1947 में, 7 मंथ की ड्यूरेशन होती है, 23 कंट्रीज लेती है पार्ट और इनका सब्जेक्ट होता है टैरिफ. इसमें होता क्या है, साइन हो जाता है गैट एंड 45,000 टैरिफ कंसेशन अफेक्टिंग $10 बिलियन ऑफ ट्रेड. तो ये बेसिकली काम हो जा रही होती है. आपको इतना ज्यादा हालांकि जो होता है डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहां पे क्या हुआ है, बस आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बात कर रहा हूं. जैसे ये देखिए फ्रांस में क्या है कि फिर अगेन टैरिफ के लिए हुआ, फिर उसके बाद से टॉर्क्वे यहां पर भी टैरिफ के लिए हुआ, जिनेवा 2 हुआ यहां पर भी टैरिफ के लिए हुआ, डिलन यहां पर भी टैरिफ के लिए हुआ. तो आप नंबर ऑफ चीजें देख रही हैं और अल्टीमेटली जो होता है उरुग्वे में क्या हुआ कि देयर वर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दिस गैट एज पार्ट ऑफ रिजल्ट क्रिएशन ऑफ WTO. अब ये क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, हम ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे. अब पहले एक काम करते हैं, जरा देख लेते हैं हम लोग कि आखिर में जो ये गैट थी वो काम क्या थी, मतलब कि आखिर में उस पर चीजें क्या थी. तो जब आप इस पे आएंगे हमारे गैट सिस्टम पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, तो जरा उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट वर द प्रिंसिपल्स ऑन विच द गैट वॉज फंक्शनिंग. तो इसमें पहला फंडा हो जाता है कि ये केवल और केवल टैरिफ पे काम करता था, मतलब ये टैरिफ को केवल रेगुलेट करता था, लेकिन हर चीज पे नहीं, केवल और केवल गुड्स पे, केवल और केवल गुड्स पे. और इसमें भी इन्होंने क्या किया था कि टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड करके रखा था. टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर ये दोनों एक्सक्लूडेड थे. क्लियर हो गया क्या चीज है. नेक्स्ट दूसरी चीज, केवल और केवल मर्चेंडाइज गुड के लिए था, केवल और केवल मर्चेंडाइज गुड्स, यानी सर्विसेज वगैरह के लिए कोई भी सीन नहीं था, कुछ भी ऐसा ध्यान इन लोगों ने नहीं दिया था. तीसरा, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये केवल और केवल क्या थी, केवल और केवल एक एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट होने के कारण से ही क्या था, केवल और केवल ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में था, जिसका कि लोग बहुत आराम से वायलेशन कर सकते थे बिकॉज इसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसके पास अपना कोई अस्तित्व नहीं था, कोई कह लीजिए कि रियलिटी नहीं थी. नेक्स्ट पॉइंट आती है, ये केवल और केवल एक तरीके की प्रोविजनल एप्लीकेशन पे काम करती थी. अब ये प्रोविजनल का मतलब क्या है, प्रोविजनल का मतलब ये है, सपोज मान लेते हैं चाइना है, चाइना के अपने कुछ नेशनल नॉर्म्स भी होंगे रिलेटेड विद ट्रेड, नेशनल नॉर्म्स रिलेटेड विद ट्रेड होंगे, यहां पर गैट के पास भी अपना इंटरनेशनल नॉर्म होगा, इंटरनेशनल नॉर्म. अब क्या होगा, समटाइम्स देयर मे हैपन कि ये वाला जो नेशनल नॉर्म है वो इंटरनेशनल नॉर्म के साथ क्लैश कर जाए. अब यहां पर क्या प्रिवेल करेगा, यहां पर प्रिवेल करेगा नेशनल नॉर्म. तो बेसिकली हुआ क्या था कि नेशनल नॉर्म की इंटरनेशनल गेट के इंटरनेशनल नॉर्म के ऊपर में डोमिनेंस, ये एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो रही थी. अब यहां पर ये चीज तो शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जो फोकस था वो तो केवल और केवल गुड्स पे था, और गुड्स में भी मर्चेंडाइज गुड्स पे ही था, तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं हुई. लेकिन जब सर्विसेज का और बाकी चीजों का ट्रेड स्टार्ट हुआ, वहां से ये जो गैट थी वो अब फेल करना शुरू हो गई. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर केवल और केवल देखिए टैरिफ के जो टैरिफ रेगुलेट हो रहे हैं वो गुड्स पे हो रहे हैं. अब यहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई टेक्सटाइल एग्रीकल्चर को लेकर के. टेक्सटाइल एग्रीकल्चर को लेकर के जब इन लोगों ने कंसेंसस बनाया तो उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई पेटेंट सिस्टम को लेकर के, पेटेंट सिस्टम IPR. तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होना अगेन शुरू हो गई. तो ये जो कुछ चीजें थी, कुछ चीजों को लेकर के यहां पर अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई थी गैट में. तो एक तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई, दूसरी प्रॉब्लम यहां पर सर्विसेज को लेकर के क्या करना है. तो दिस वॉज द सेकेंड प्रॉब्लम, जहां पर मर्चेंडाइज गुड केवल और केवल चीजें हो रही थी वो अब सर्विसेज को लेकर के भी इश्यूज उठने शुरू हो गए थे. तीसरी प्रॉब्लम हो गई यहां पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल केवल चल रहा था, क्योंकि एक तरीके के केवल और केवल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होकर के रह गया था, रेड टैपिज्म हो गया था, मतलब जो भी सिस्टम चल रहा था वो अब काफी स्लो मोशन में चलना शुरू हो गया था. इनके ऊपर में कुछ भी पेनाल्टी नहीं लगा जा सकती थी, क्योंकि सीधी सी बात है दिस वॉज प्रोविजनल. अब प्रोविजनल होने के कारण से ही नेशनल नॉर्म इंटरनेशनल नॉर्म के ऊपर डोमिनेंस कर रहा था, और इस कारण से कई जगहों पे कंट्रीज बाईपास कर जा रही थी गैट के जो भी रूल, जो भी नॉर्म्स वगैरह दिए गए हैं.
तो इस कारण से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण से हमें अल्टीमेटली वापस से मीटिंग करनी पड़ी और अल्टीमेटली हम लोग WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया इन आवर उरुग्वे राउंड इन 1994। तो 1994 में उरुग्वे राउंड में WTO फाइनली फोर्स में आ जाता है। क्लैरिटी आ गई क्या चीज है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, अब हम लोग जरा वापस से आते हैं और उरुग्वे राउंड ऑफ गैट वॉज कंक्लूडेड इन 1994 विथ मराकेश ट्रीटी एंड दिस ट्रीटी लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ WTO इन 1995 बाय रिप्लेसिंग गैट। फर्स्ट राउंड वॉज द दोहा राउंड विच स्टार्टेड इन 2001 एंड इज येट टू कंप्लीट। अब देखिए ये जो दोहा राउंड वगैरह है ये है बेसिकली मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल आप लोग केवल ये ध्यान रखिए कि गैट से मतलब गैट जो है वो कैसे रिप्लेस कर दिया गया मतलब WTO के द्वारा। तो ये उरुग्वे राउंड थी मराकेश ट्रीटी के दौरान में ये हुई। क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप मतलब आंसर कर सकते हैं, मराकेश ये कहां पर है, मराकेश कहां पर है, विच कंट्री। ठीक है, चले खैर आगे बढ़ते हैं। तो हेडक्वार्टर इसका फिलहाल जनेवा में है, स्विट्जरलैंड 164 नेशंस है एज ऑफ 2017। अफगानिस्तान 164th नेशन बना था 2016 में, नया नेशन है जो कि अफगानिस्तान बन गया है। क्वेश्चन ये उठता है कि गैट और WTO में अब क्या डिफरेंस है, चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो गैट जो थी वो एक ट्रीटी थी जबकि WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्कस कर रखे हैं। गैट के पास कोई भी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं था, प्रोविजनल बेसिस पे चल रही थी, लेकिन इनके पास अपना खुद का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है। ऑब्वियसली ये देखिए यहां पर कुछ प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन ही निकाला गया होगा WTO में, तभी जाकर के WTO आज के दौरान में सक्सेसफुल एक ऑर्गेनाइजेशन बन पाई है। गैट वॉज इसेंशियली कंसर्न विद ट्रेडिशनल ट्रेड इश्यूज सच एज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ओनली, जबकि यहां पर क्या है ज्यादा एक्सटेंसिव कवरेज है, जैसे IPR का भी है, सर्विसेस का भी है, गुड्स में भी हर तरीके के गुड्स का है। क्लियर। गैट हैड ए स्मॉल सेक्रेटेरिएट विथ नो इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन टू इंप्लीमेंट दीज रूल्स। ठीक है, इनके पास कोई सच इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन नहीं था, जबकि इनके पास अपना खुद का सेक्रेटेरिएट है, खुद की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, मतलब सब कुछ ही है जो एक मतलब बंदे को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को पेनाल्टी लगाने के लिए चाहिए होती है। क्लियर हो गया क्या है दोनों में डिफरेंस। ओके, कमिंग टू WTO, अब हम लोग जरा WTO के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और यहां पर देखेंगे हम लोग व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ WTO जिस पे WTO काम कर रही है। सबसे पहली जो प्रिंसिपल है वो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम वेयर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज शुड रिसीव द सेम ट्रीटमेंट एज डोमेस्टिकली सोर्स्ड वन। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए इनका जो मेन फोकस है वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना है, इंटरनेशनल ट्रेड को एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बना के रखना है। अब देखिए इसमें आप ये कहेंगे कि यार हमें इंडिया है मान लेते हैं, हम लोग ज्यादा आइटम जो होता है वो एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाते हैं, हम लोग इंपोर्ट ही ज्यादा करते हैं, तो ये हमारे लिए तो फेवर वाली बात नहीं है। देखिए बिल्कुल बात सही है कि हमारे लिए फेवर की बात नहीं है, लेकिन कब तक, मान लीजिए कल को हम डेवलप्ड नेशन बन जाते हैं और हमारा एक्सपोर्ट सुपरसीड कर जाता है हमारे इंपोर्ट के साथ, तो ऐसा तो है नहीं अब उस वक्त हम लोग जाके कहेंगे कि यार तुम अपना नॉर्म बदलो, हमारे फेवर में नहीं आ रहा है। अब तो एक जनरल नॉर्म बनाना पड़ेगा डेवलप्ड के लिए, ऑब्वियसली ये ज्यादा फेवरेबल रहेगा एज कंपेयर टू डेवलपिंग, और इसी वजह से WTO ने अपने दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में डेवलपिंग नेशन को कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर दिए गए जिसको SSM सेफ गार्ड मैकेनिज्म बोला जाता है। वो क्या होती है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने सारे मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अभी फिलहाल के बारे में बात करें तो डेवलप नेशन को ऑब्वियसली ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू हमारे डेवलपिंग नेशन को लेकर के, ये तो आपको समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि इनका इंपोर्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, और हमारी गैट का नॉर्म का मतलब ये है कि जिनका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा उनके लिए ज्यादा ये फेवरेबल रहेगी। क्लियर हो गया। ओके, अब मान लेते हैं कि सपोज यहां से डेवलप्ड नेशन से मान लेते हैं कि एक पेंसिल जो होती है वो इंपोर्ट की जा रही है डेवलपिंग नेशन के द्वारा, यानी ये बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है और इसके पास इंपोर्ट हो रहा है। मान लेते हैं इस पेंसिल की कीमत पड़ रही है ₹2। क्लियर है। डेवलपिंग नेशन में मान लेते हैं कि अपनी अप्सरा की पेंसिल, नटराज की पेंसिल मान लेते हैं चल रही है, नटराज की पेंसिल चल रही है और मान लेते हैं कि वो ₹1 पे है। अब देखिए जब भी मार्केट में ₹1 और ₹2 की पेंसिल आएगी तो ऑब्वियसली जो जनता है वो ₹1 वाला प्रेफर करेगी, लेकिन मान लेते हैं कि ये पेंसिल हमारी ₹1 नहीं, ये जो है वो ₹2.5 की आ रही है,
ढाई रुपए की आ रही है। अब बताइए ढाई रुपए वाली पेंसिल और दो रुपए वाली पेंसिल में कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली दो रुपए वाली पेंसिल खरीदी जाएगी क्योंकि वो सस्ती मिल रही है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट क्या होता है, डेवलपिंग नेशंस इनके ऊपर में एक्स्ट्रा 0.5 रुपीज का या फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज का इनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स लगाने की आजादी तो है ही। कैसे? इनके ऊपर लग जाएगा कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अब ये जो कस्टम ड्यूटी लगेगी वो अलग अलग तरीके से लग सकती है। जैसे इंडिया के केस में बात करें तो 10%, 10% मतलब 0.2 भी क्या 0.02, यानी इनका पैसा बना 2.02। अगेन जो होता है ये 2.2 से 2.5 से ज्यादा फेवरेबल है, तो मार्केट में अभी भी 2.2 वाला लगेगा। अब इसके बाद से इनके ऊपर में एक्स्ट्रा ड्यूटी लगना शुरू हो जाती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा टैक्स। क्यों लगाई जा रही है? लगाई इसलिए जा रही है क्योंकि अपने डोमेस्टिक मार्केट को हमें बचाना है। 2.5 रुपीज जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस चल रही है, अगर उससे कम पे फॉरेन का कोई आइटम पहुंच जाएगा तो फिर वो काफी ज्यादा बिकना शुरू हो जाएगा और हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो सारे हमारे डोमेस्टिक प्लेयर फिर बर्बाद हो जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती है। ये एक्स्ट्रा ड्यूटी दो तरीके की हो सकती है। एक होती है जिसको बोला था काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, या दूसरी हो सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये दोनों चीजें क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि दोनों का नेचर सेम होता है, मोटिव अलग होता है। तो दोनों का नेचर सेम है बट मोटिव अलग है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, अब मान लेते हैं कि 2.02 ये हमारी टैक्स लग करके बनी थी, लेकिन हमें बनाना है 2.5, यानी हमें 0.5 का इसमें टैक्स जोड़ना पड़ेगा, 0.5 का टैक्स जोड़ना पड़ेगा, यानी 25% टैक्स अभी हमें लगाना पड़ेगा, यानी हमें 25% टैक्स एज अ काउंटर वेलिंग ड्यूटी मारना पड़ेगा हमें इनपे। इनका प्राइस बन गया मान लेते हैं 2.52। अब बताइए 2.52 हो गया फॉरेन वाली पेंसिल का और 2.5 हो गया हमारे डोमेस्टिक पेंसिल का, मार्केट में कौन खरीदेगा? कंपटीटिव है दोनों, जिसका जो मन करेगा वो खरीद लेगा। तो गैट का या सॉरी WTO का मतलब क्या है? WTO कहता है कि एक काम करिए आप लोग जो होता है वो एक फ्री इन्वायरमेंट दीजिए आम जनता को, जिससे कि वो फॉरेन गुड को या इंडियन गुड को, मतलब कि डोमेस्टिक गुड को, अपने मन मर्जी से चूज करे। समझ में आ गया क्या चीज है? मतलब आप इन दोनों को अधिक से अधिक कंपटीटिव केवल बना सकते हैं। आप ये काम नहीं कर सकते हैं कि आपका 2.02 रुपए की पेंसिल है, कस्टम ड्यूटी या फिर कह लीजिए कि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो आपने 100% लगा करके इसकी प्राइस को 4 times कर दिया, मतलब 4 रुपए पे ले आ दिया। अब 4 रुपए की चीज ऑब्वियसली कोई भी नहीं खरीदेगा जब 2 रुपए की कोई चीज अवेलेबल है। तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं। आपको जनरल रखना है, आपको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रखना है एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जहां पर फॉरेन गुड्स और सर्विसेज रिसीव द सेम ट्रीटमेंट एज डोमेस्टिक सोर्स वन। तो क्लियर हो गया क्या चीज है? इसको मैं थोड़ा डिटेल में इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको एक प्रैक्टिकल क्लैरिटी आ जाए कि क्या चीज हो रही है। अगला पॉइंट देखिए, ट्रेड बैरियर शुड बी डिसमेंटल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी फ्री। मतलब आप किसी प्रकार से इनको ये नहीं कह सकते कि अब हमको ये जरूरत नहीं है। अगर आपने बोल रखा है यूएस को कि मुझे पेंसिल चाहिए, तो अगर आपने ऑर्डर दे दिया है आपको लेना पड़ेगा। आप उसको डिसमेंटल नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्रीज शुड रिसीव प्रेफरेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये क्या होती है प्रेफरेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जो हमारी पीटीए एफटीए ये सब चीजें हम लोगों ने जो साइन किया हुआ था लास्ट क्लास में। तो डेवलपिंग कंट्री इस तरीके की प्रेफरेंशियल टर्म्स जो होती है वो फोकस मतलब कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कुछ और प्रिंसिपल्स के बारे में, और ये प्रिंसिपल हमारी होती है अलग अलग टाइप में। जैसे एक होती है जिसको बोलाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। अब ये क्या होती है मोस्ट फेवर्ड? ये देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं इसका जिस्ट बताता हूं क्या चीज है। पर्पस देखेंगे तो इलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बाय मेंबर्स। इफ अ मेंबर एक्सटेंड स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी नेशन देन सिमिलर ट्रीटमेंट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू ऑल। इसमें कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं जैसे एफटीए नॉर्म वगैरह हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसका पूरा मतलब क्या है, वन बाय वन करके जरा डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं सपोज कि इंडिया में मान लेते हैं कि जो होता है टेराकोटा बनाया गया, टेराकोटा फिगरीन बनाएगी, टेराकोटा गोरखपुर को अभी जो होता है इसको ज्योग्राफिक इंडिकेटर दिया गया है। अब मान लेते हैं टेराकोटा के लिए नेपाल वाले कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, नेपाल वाले, रशिया वाले और मान लेते हैं कि म्यांमार वाले, ये हमारे फ्रेंड नेशन है, ये लोग काफी डिमांड कर रहे हैं।
हम लोग कह रहे हैं कि हमारा यार आइटम 10 रुपए का है, 1 रुपए हम प्रॉफिट कमाएंगे और आपको 11 रुपए में हम बेच देंगे। नेपाल, रशिया, म्यांमार कह रहे हैं बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो ये कुछ नहीं पड़ेगा, हम एकदम खरीदेंगे। दूसरे साइड में कुछ और भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी आती है, जैसे पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया, जैसे मालदीव, सपोज दीज आर द कंट्रीज। अब इन कंट्रीज में जब आया बात बेचने का, इंडिया ने कहा हम आपको 10 रुपए में नहीं बेचेंगे, हम आपको बेचेंगे 15 रुपए में, हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे फेवर में नहीं रहते, हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। यहां पर चाइना को भी जोड़ लीजिए, चाइना तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 15 रुपए, यानी 15 रुपए में बेचा जाएगा इनको। अब देखिए, ये हुआ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इन दोनों लोगों को अलग अलग तरीके से आपने ट्रीट किया है। अगर आपने किसी को फेवर किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरे को डिसफेवर करेंगे। आपको अगर आप किसी को फेवर कर रहे हैं तो सिमिलर नेचर में आपको दूसरे को भी देना पड़ जाएगा, अगर आपने किसी को इस तरीके से ट्रीट किया है तो। क्लियर हो गया? तो आपको क्या है, इलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बाई मेंबर। तो आपको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है तो उसको बाकियों को भी इसी तरीके की ट्रीटमेंट देनी पड़ जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, एफटीए वगैरह अलाउड नहीं होता। एफटीए अगर आपने किया है, ट्रेड बैरियर्स आपने मान लीजिए कुछ कंट्रीज के लिए हटाए हैं, देन इट इज कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए जो होता है परमिटेबल है। दूसरी चीज होती है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब जरा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया है, इंडिया के नेबरिंग कंट्री में आ जाती है आपकी, जैसे चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। अब इंडिया के साथ में मान लेते हैं कि ब्रुनेई वाला है, ब्रुनेई कहता है कि यार इंडिया मुझे पृथ्वी मिसाइल चाहिए, मुझे पृथ्वी मिसाइल चाहिए। ब्रुनेई को अब इंडिया कहता है कि यार ब्रुनेई काफी दूर है हमसे, हमारे लिए कभी भी स्ट्रैटेजिकली सच इंपॉर्टेंट नहीं है और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। तो इंडिया कहता है कि ठीक है, पृथ्वी मिसाइल तुमको चाहिए, 1 करोड़ रुपए दो, हम तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रुनेई वाला कहता है कि ठीक है। तब तक पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार वाले भी देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए में पृथ्वी मिसाइल मिल रही है, तो ये लोग कहते हैं कि यार एक काम करो, हम भी लोग खरीद लेते हैं। तो इन लोगों ने भी डिमांड करनी शुरू की। इंडिया कहता है पाकिस्तान को, हम आपको 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपए में देंगे। बांग्लादेश को, भूटान को बोलता है कि यार तुम हमारे दोस्त हो, 2 करोड़ रुपए का देंगे। बांग्लादेश को बोलता है कि 50 करोड़ में देंगे और चाइना को बोलता है कि हम आपको देंगे ही नहीं। अब इसमें सीन क्या है, This is basically a subject of national security. और national security के दौरान में आपको इस तरीके के discrimination करने के लिए WTO भी नहीं रोकता है, क्योंकि आपके आसपास की पड़ोसी countries obvious सी बात है कि आपके लिए खतरा बन सकती है आगे जा करके। तो इस तरीके की आप differential treatment बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पर इसमें कोई भी दबाव नहीं है। क्लियर हो गया क्या चीज है हमारे most favored nation का मतलब? अब देखिए, इंडिया ने मोस्ट फेवर नेशन किसको दिया है, सबको दिया था, A to Z जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है सबको दिया था, लेकिन अभी रिसेंट में पाकिस्तान को यहां से हटा दिया गया है। क्लियर हो गया क्या चीज है? चलिए, दूसरी होती है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से आप समझ लेंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। जैसे कि हम लोगों ने भी पेंसिल के बारे में बात किया था, तो पेंसिल अगर 2.02 रुपीज की मिल रही है तो अधिक से अधिक आप इस पे 0.5 का टैक्स लगा करके इसको 2.52 बना सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड आपकी 2.5 रुपीज की थी। तो आप इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन एज सच बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तीसरा, डोमेस्टिक प्रिंसिपल। अब डोमेस्टिक प्रिंसिपल क्या है, WTO फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन वोट वन वैल्यू। मतलब एक नेशन एक वोट कर सकते हैं और उस वोट की एक ही वैल्यू रहेगी, यानी कि छोटी कंट्री, बड़ी कंट्री या बिल्कुल खत्म सी कंट्री, इन तीनों में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, सबके वोट की, सबकी बातों की इक्वल वैल्यू रहेगी। तो यहां पर किसी तरीके से अलग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज रिसीव प्रेफरेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड विद इन WTO फ्रेमवर्क। तो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्या होती है, दिस इज बेसिकली ट्रेड प्रोटेक्शन। चूंकि डेवलपिंग कंट्री ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट ज्यादा करती है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो इनका मार्केट बहुत ज्यादा खराब किया जा सकता है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा। तो इस वजह से यहां पर कुछ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर दिए जाते हैं, जिसको बुलाता है SSM, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। ये क्या होती है, ये हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बात।
क्लियर हो गया क्या चीज है। अब हम लोग जरा आते हैं और हम लोग जरा देखते हैं अपने इस मिनिस्ट्रियल मतलब कि इस पूरे WTO की थोड़ी सी मिनिस्ट्रियल के बारे में बात कर लेते हैं, जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एक PDF है जो WTO की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर के वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और मैं इसको ग्रुप में भी अभी पोस्ट कर दूंगा। तो देखिए ये बेसिकली है जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल के अलग अलग देखिए बॉडी निकली हुई है। जैसे एक बॉडी है जो कमेटीज की है, कमेटी में ट्रेड एंड एनवायरमेंट की है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट की है, फिर सब कमेटी ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिस्ट्रिक्शन है, बजट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहां पर देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के लिए बॉडी बना करके रखी गई है। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल मीटिंग की है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की है, इसको बोला जाता है लेवल वन, ध्यान से सुनिएगा, इसको बोला जाता है लेवल वन मीटिंग या फिर लेवल वन बॉडी। ये होती है हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ये मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल यही बॉडी होती है। इनकी मीटिंग जो है वो हर एक साल में दो बार हो रही होती है। तो इनकी मीटिंग के बारे में अगर देखें तो दो बार, एक ही साल में दो बार हो रही होती है। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स वगैरह होते हैं वो जाकर के यहां पर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर की जो मीटिंग होती है मतलब सेकेंड लेवल पे जो बॉडी होती है वो होती है जनरल काउंसिल एफ एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो दिस इज बेसिकली जनरल काउंसिल एफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। इसका काम क्या है, ये डे टू डे अपना काम तो कर ही रही होती है। ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग में जो कुछ भी हुआ रहता है, जो कुछ भी डिसीजन निकल के आई रहती है, उसी को ये इंप्लीमेंट करवा रहा होता है। जनरल काउंसिल ऑल्सो मीट एज अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी टू अंडरटेक ट्रेड पॉलिसी रिव्यूज ऑफ मेंबर। तो जितने भी पॉलिसीज वगैरह होते हैं उनको ये लोग देख रहे होते हैं कि क्या चीज है कैसे है। तीसरे नंबर की जो मीटिंग होती है वो होती है काउंसिल ऑफ ट्रेड के बारे में। तो तीसरी बॉडी होती है काउंसिल ऑफ ट्रेड, ये देखिए काउंसिल ऑफ ट्रेड, और ये दो तरीके से होती है, ये सर्विसेज में भी हो सकती है, ये गुड्स में भी हो सकती है, और ये IPR में भी हो सकती है। तो बेसिकली ये जो काउंसिल फॉर ट्रेड होती है गुड्स सर्विसेज एंड पेटेंट या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हो जा रही होती है। इन तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे अपने सेपरेट वीडियो में, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे गुड्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, एंड देन देखेंगे हम लोग IPR के बारे में। क्लियर हो गया। एक लास्ट मीटिंग होती है मतलब लास्ट बॉडी होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, ये होता है हेड ऑफ WTO, और ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इलेक्ट किया जाता है हर चार साल के लिए, मतलब इनका टर्म चार साल का होता है और वो हर बार मतलब मिनिस्ट्रियल मीटिंग से ही सेलेक्ट हो रहे इलेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये थी बेसिकली पूरी हमारे WTO के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, इनके फंक्शन, इनके बारे में। और अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां ज्वाइन करके आप अपने डाउट रेज कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए हैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग में, सेफगार्ड मैकेनिज्म्स क्या है, व्हाट आर काउंटरवेलिंग ड्यूटी, व्हाट इज कस्टम ड्यूटी, व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, इन सारे ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। और उसके थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितनी भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हुई हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगापुर के कॉन्फ्रेंस से लेकर के और हम लोग जाएंगे जो भी लेटेस्ट वन हुई है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।